प्यारे बच्चों, इस वीडियो में नाइन्थ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। प्रायिकता, बहुत बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे कुछ संदेह की चीज़ें होती है। आज बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक सिक्का उछालेंगे आप, छीत आएगा, पट आएगा। आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, हो भी सकती है पहली बार में, ना भी हो। हमने टॉस किया, आज भारत जीतेगा नहीं जीतेगा। जहाँ पे भी संदेह की हो, या फिर हमें किसी भी तरह का हम कोई भी प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ पे चांस, जिसको हम कहते हैं चांस की बात आ जाए, वो हमारे पास प्रायिकता में आता है। ठीक है, प्रायिकता एक घटना, मान लीजिए हमने किसी सिक्के को 10 बार उछाला तो वो हमारा प्रयोग हुआ। वो हमारा क्या है? प्रयोग। हमने एक्सपेरिमेंट किया और प्रयोग में क्या किया, हमने एक सिक्के को 10 बार उछाला, हमारे पास हेड आया, टेल आया। हेड आया 7 बार और टेल आया 3 बार। तो जब हम इसकी प्रायिकता की बात करें, ये एक इवेंट हो गया। ई को करते हैं हम घटना। घटना जो है वो एक प्रयोग के कुछ जो एक्सपेरिमेंट जो हमने किए थे उनके परिणाम, कुछ परिणामों को हम क्या कह रहे हैं? घटना कह रहे हैं। अगर हमें कहे किसी घटना की प्रायिकता, पी प्रोबेबिलिटी से डिनोट करते हैं हम, प्रायिकता क्या होगी? घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब कितने परिणाम उसके अनुकूल आए हैं, और हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, या अनुकूल अभिप्रयोग और कुल अभिप्रयोग। जैसे अगर हमें कोई कहे प्रायिकता एच आने की, हेड आने की जो प्रायिकता होगी, यहाँ पर हमारे पास टोटल तो कितने 10 बार किए हमने, 7+3, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 7। कितनों में से? 10 में से। भाई 10 बार हमने प्रयोग किया, उसमें से हेड कितनी बार आ रहा है? 7 बार। बड़ा ही सिंपल सा है। अगर हमें कोई कहे कि टेल आने की, चित आने की, ये चित हो गया, पट, पट आने की कितनी होगी? 3/10। तो ये आपको बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे इस एक्सरसाइज में। हम यहाँ पे आनुभविक या एम्पेरिकल, जिसको हम बोलते हैं आनुभविक प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके बाद 10th क्लास में हम एक्सपेरिमेंटल प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज 15.1 का पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता। आसान सा है सॉल्यूशन, देखिए। महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई गेंदें, महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई कुल गेंद कितनी है जो उसने खेली? 30। चौका लगने वाली टोटल गेंद हमारे पास हो गई, इन्होंने दी हुई है 6। तो जो 6 पे तो चौका लग गया, बाकी जो बची उनके ऊपर चौका नहीं लगा। चौका न लगने वाली गेंदें तो कितनी हो जाएंगी भाई? वो 30-6 मतलब 24 गेंदों पर चौका नहीं लगा। प्रायिकता मान लीजिए इसको ई, हमने इवेंट जो घटना दी उसको ई नाम दे दिया। तो प्रायिकता किसी भी घटना की, हमने क्या बताया था, अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कितने हो जाएंगे? घटना के अनुकूल कितने हैं? 24। ठीक है, ई हमने इसको नाम दिया है, और कुल परिणाम हमारे कितने हो गए? 30 हो गए। आप डिवाइड कर दीजिए, 6 चौका 24 और 6 × 30, 4/5। अगर आप पॉइंटों में निकालना चाहोगे तो 0.8। देखिए, कोई भी जो घटना है, किसी भी घटना की प्रायिकता वो
जीरो या जीरो से बड़ी होगी और लेस देन और इक्वल टू वन होगी, एक या एक से छोटी होगी हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर एक, अब क्वेश्चन नंबर दो करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए। परिवार में लड़कियों की संख्या और परिवारों की संख्या, दो लड़कियां 475 परिवारों में, एक लड़की 814 में और जीरो लड़की 211 परिवारों में। यादृच्छा चुनेंगे उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें दो लड़कियां हों। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास कुल परिवार कितने हैं, या हम जैसे कुल एक्सपेरिमेंट की बात करें, कुल अभी प्रयोग बात करें, कुल परिवार हमारे 500 हैं। हमने ई को नाम दे दिया ई या ईवन, दो लड़कियां हों। इस घटना को नाम दिया हमने दो लड़कियां हों। तो प्रायिकता बतानी मैंने किसकी, ईवन की। प्रायिकता किसकी, उस परिवार को जो उसको हमने चुना, उसमें कितनी लड़कियां हों, दो लड़कियां, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट नाम दे दिया। या पूरा भी लिख सकते हो, प्रायिकता दो लड़कियां हों। क्या हमारे पास फार्मूला क्या होता था, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम, ठीक है, या कुल अभिप्रयोग। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दो लड़कियों के परिवार कितने हैं, 475 हैं और बटे टोटल कितना है 1500, डिवाइड कर लीजिए। ये पहला हो गया आपका, पाँच से अगर हम डिवाइड करते हैं, वैसे 25 से भी डिवाइड हो रही है, 25 एकम 25, 22 25 निमा 225, 25 छिका 19/7, छोटे से छोटा हमने लिख लिया। दूसरे में हमने ई टू नाम दिया किसका, एक लड़की हो, जो हम परिवार चुन रहे हैं उसमें एक लड़की हो। तो प्रायिकता किसकी, एक लड़की होने की, एक लड़की के फेवर में कितने हैं, 814 कितने में से भाई, 1500 में से, जितना भी होगा उसी में से करेंगे हम, दो से कैंसिल करोगे 407 और ये हो गया 750। आई थिंक और किसी से नहीं कट रहा है ये, 5-7 किसी से नहीं है, तो इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरा लेते हैं, कोई लड़की ना हो, इसको मैंने E3 नाम दे दिया, घटना का नाम E3 दे दिया, कोई लड़की ना हो, तो इसका जो प्रायिकता होगी E3 की, कोई लड़की, इसके फेवर में कितने अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने, जीरो लड़की 211 और बटे 1500, ये कट नहीं रहा है तो इतनी ही प्रायिकता हो जाएगी। तो बहुत ही आसान जाने वाला है ये पूरा चैप्टर हमारा, बहुत ही आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।